जनपद की ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि जनपद में आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों तथा औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण जनपद में ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। इसके अलावा सड़कों पर बेढंग तरीके से गाड़ी खड़ी करने के कारण भी यातायात व्यवस्था बाधित होती है, जिसके लिए एडीजी जोन ने एक वृहद कार्यप्रणाली तैयार कर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत यातायात पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा सोशल एक्टिविटी के तहत लोगों को भी ट्रैफिक व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा एडीजी जोन ने जनपद के ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए कई उपाय भी सुझाए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, विकास में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी तेजी हुई है और एक प्रमुख शहर जो एक पूर्वांचल का था उसके स्वरूप में भी काफ़ी तेजी आई है। एयर काफ़ी नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ गई हैं, आसपास पर्यटन का जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें काफ़ी तेजी आई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए काफ़ी संख्या में लोगों का आना जाना यहाँ बढ़ रहा है। परीक्षाओं के केंद्र यहाँ रहते हैं जिस कारण वीकेंड्स पे काफ़ी लोड हो जाता है। इन सभी कारणों के कारण यहाँ पे ट्रैफिक पे काफ़ी दबाव बढ़ा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने अभी समीक्षा की थी कि किन किन बिंदुओं पे कार्रवाई की जा सकती है, तो जो सबसे प्रमुख पुलिस संबंधित समस्याएँ पाई गई थी उसमें ये पाया गया कि जो पुलिस बल उपलब्ध है ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के लिए और करने के लिए थे बड़े शहर, बट जो नंबर ऑफ मैन है वो काफ़ी कम है। उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है जिसमें ट्रैफिक स्पेशली ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के लिए 100-150 आदमियों के अतिरिक्त मांग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने की है और उसको हम यहाँ से अपने जोन से एक रिजर्व क्रिएट किए जाएंगे जो ट्रैफिक स्पेशली ड्यूटीज़ में मदद करेगी। एक तो स्टेप ये लिया जा रहा है, दूसरा स्टेप ये लिया जा रहा है कि क्रेन्स काफ़ी कम है, लोग आरे तिरछे जहाँ निर्धारित स्थान नहीं है वहाँ भी गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, तो नगर निगम इसमें हमारी मदद कर रहा है और नगर निगम टेंडर करके इसमें कंपनीज़ को ला रहा है जो हमें क्रेन उपलब्ध कराएगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों का चलान करने में सक्षम होंगे और उनको वहाँ से उठाया जा सकेगा और उनको फिर चलान किया जा सकेगा। तो ये दो प्रमुख एरिया हैं जहां हम इन्फोर्समेंट पे वर्क कर रहे हैं। तीसरा पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वॉलंटियर्स का कि ट्रैफिक वॉलंटियर्स रजिस्टर कर सकते हैं, हर जगह ये होती है, बड़े शहरों में भी रजिस्टर्स डायरेक्ट ट्रैफिक वॉलंटियर जो स्वयं से भी संस्थान है या स्वयं कोई आदमी इच्छुक है तो वो आगे आकर अपना इसमें काम योगदान दे सकता है। उसको किस प्रकार हम अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करें इस पर फोकस कर रहे हैं। फोर्थ पहलू है थोड़ा हम लोग इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पे हैं, अभी करीब नए करीब 30 प्लस स्थान हो जाएंगे गोरखपुर में जहां पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लग जाएगा और एक 1.5 महीने के अंदर ये स्थान जैसे ही लग जाता है तो ऑटोमेटिक चलान होंगे और चौराहों पर इन्फोर्समेंट आसान हो जाएगा। तो ये एक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं रोड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जिसमें चौराहों का सौंदर्यकरण करना हो या चौराहकरण करना हो या वहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको दूर करना हो, कई सारे ऐसे चौराहे गया हूँ जहाँ पर मूर्ति लगी है वो भी गलत जगह लग गई है जो ट्रैफिक में ऑब्स्टिकल बन गई है तो उनको रीलोकेट करना हो, इस तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग नगर आयुक्त साहब से अनुरोध किया है कि वो एक सभी विभागों की बैठक ले रहे हैं और उसमें इन विषयों को एक योजनाबद्ध तरीके से हैंडल किया जाए। इसमें जो लार्जर प्रोजेक्ट्स हैं इसमें लॉन्ग टर्म मीडियम एंड शॉर्ट टर्म तीन पार्ट में हम लोग ने भागा है। लॉन्ग टर्म ऐसे होंगे जो जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 5 साल लग सकता है, मीडियम टर्म ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 साल में काम हो जाता है, एंड शॉर्ट टर्म है जो इसी वर्ष में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो इसमें फ्लाईओवर बनना है, रोड्स बनने हैं, कहाँ कहाँ से मेजर आर्टिलरी रोड्स कनेक्ट करने हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं जो हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं। कुछ जगह पर रोड और चौराहों का चौड़ा करना है, कुछ जगह जैसे हमने कहा सौंदर्यीकरण और रिलोकेशन से समस्याएं दूर हो जाएंगी, पार्किंग स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके पार्किंग प्लेसेस बनने हैं, इन सारे बिंदुओं पर समग्र निर्णय लेने हैं तो वो जल्दी बैठक बुलाएंगे। एक बैठक हम लोग की पहले हो चुकी है बट उसको और आगे योजनाबद्ध ढंग से प्रस्तावित करने का प्रोग्राम है।